विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश में अपनी संभावनाएं तलाशने का काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में रविवार को लोकतांत्रिक जनता दल यूनाइटेड की ओर से राजधानी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के संरक्षक शरद यादव भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, जिसके लिए संयुक्त मोर्चे को एकजुट होना जरूरी है। यादव ने कहा कि सभी गैर बीजेपी राजनीतिक संगठन मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश के संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों को हटाने में मुख्य भूमिका भी निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान दलित समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग करी है। सम्मेलन में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार के लिए स्पष्ट नीतियां बनाने और कृषि यंत्रों को एनजीटी के आदेशों से बाहर किए जाने सहित 10 प्रस्ताव रखे हैं।